हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये इवेंट इन्फिनिटी वॉर्स के दौरान चल रहा है, जहां गमोरा सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा कर लेती है, जिससे उसके पास इन्फिनाइट पावर्स आ जाती है। और अब गमोरा किसी तरह से यूनिवर्स को आधा मोड़ देती है। और जिस वेपन हैक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसके पास दो पावर्स हैं, जो कि वुल्वरिन और स्कारलेट विच दोनों की मिली जुली पावर्स को वेपन हैक्स का नाम दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है माउंट वुंडागोर, जहां लाखों सालों से बिजली चमकती आ रही है। यहां पे जो किला है उसमें अनगिनत रस्में की गई है। इन रस्मों से आने वाले लोगों की आवाजें बिजली की आवाजों के कारण सुनाई नहीं देती। हमें दिखाया जाता है एक रूम जिसमें कुछ लोगों ने एक नीले रंग की लेडी को बांध कर रखा है, और वो लोग अपने डार्क लॉर्ड मैपिक्टन का आह्वान करते हैं, जिससे डार्क लॉर्ड इस नीले रंग की लेडी की बॉडी में घुसकर उसे कंट्रोल में कर सके, या फिर ये कहें कि एक तरीके से डार्क वर्ल्ड इस वर्ल्ड में आ सके। ये डार्क लॉर्ड का 22वां अटेम्प्ट है कि वो किसी बॉडी को कंट्रोल में कर सके और इस वर्ल्ड में आ सके, लेकिन वो अब तक नाकाम रहा है। अब डार्क लॉर्ड आता है और उस लेडी की बॉडी में घुस जाता है, लेकिन डार्क लॉर्ड इतना पावरफुल है कि उस बॉडी का पेट फट जाता है और डार्क लॉर्ड फिर से बाहर आ जाता है। ये लोग कई सालों से ऐसी बॉडी, या फिर इनकी भाषा में कहूँ कि एक ऐसा वेसल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये डार्क लॉर्ड को एक ह्यूमन बॉडी दे सकें, लेकिन अभी तक ये ऐसा वेसल नहीं बना पाए। इनमें तीन लोग जो मेन हैं, वो हैं डॉक्टर विंडम, डॉक्टर किनिम और उनका एक साथी बेवल, जो कि एक बैसे जैसा दिखाई देता है। डॉक्टर्स उस नीले रंग वाली लेडी की बॉडी को लैब में ले जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी हर कोशिश नाकाम क्यों हो रही है। डॉक्टर विंडम एक मैजिशियन है और डॉक्टर किनी एक साइंटिस्ट। डॉक्टर किनी डॉक्टर विंडम से कहती है, मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। हम सालों से एक परफेक्ट बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डार्क लॉर्ड को परफेक्ट बॉडीज पसंद नहीं है। और अगले सीन में डॉक्टर किनी हमें स्ट्रेचर पे लेटी दिखाई देती है। इन लोगों ने सोचा है कि डॉक्टर किनी उस वेसल या बॉडी को अपने पेट में जन्म देंगी, और उसके लिए डॉक्टर्स किनी के पेट में मैजिक और म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन से मैनिपुलेट करके एक स्पर्म डाल देते हैं, जिससे डॉक्टर किनी पेट से हो जाती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर किनी बेवल को बताती है कि ये वेसल एक लेडी होने वाली है। समय गुजरता गया और डॉक्टर किनी के पेट में वो बेबी गर्ल जन्म लेने लगी। फिर एक दिन डॉक्टर किनी बेवल को बताती है कि जब ये बेबी लात मारती है तो कुछ अजीब होता है, मुझे लगता है कि एक मुश्किल डिलीवरी होने वाली है। और फिर वो दिन आ जाता है जब डॉक्टर किनी उस बेबी को जन्म दे देती है। हालांकि डिलीवरी के दौरान डॉक्टर्स की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उस बेबी की मैजिकल पावर्स आसपास के एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही थी। डॉक्टर किनी उस बच्ची को अपनी गोद में लेती है और उसके दो छोटे से क्यूट से क्लोज बाहर निकल कर आते हैं। इस बच्ची का नाम लोरा किनी रखा गया और ये बात आज से 8 साल पुरानी है। समय गुजरने के साथ साथ डॉक्टर किनी लोरा से बहुत प्यार करने लगती है और उसे एक वेसल ना मानकर अपनी बेटी मानती है। लेकिन डॉक्टर हर्बर्ट विंडम लोरा पे टेस्ट करना चाहता है। डॉक्टर विंडम लोरा को छीनकर सांप के बाड़े में फेंक देता है, लेकिन लोरा उस सांप को मारकर खाने लग जाती है। थोड़ी और बड़ी होने पर डॉक्टर विंडम लोरा पे एक मैजिक स्पेल कास्ट करके ये टेस्ट करता है कि क्या वो एक कठपुतली की तरह किसी को भी मार सकती है, और लोरा उनके घर में ही मौजूद सुअर जैसे दिखाई देने वाले वेटर को मार देती है। डॉक्टर किनी अपने पति विंडम से कहती है कि मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि तुम मेरी बेटी से ऐसा वैसा कुछ नहीं करवाओगे। थोड़ी और बड़ी होने पर हेलबाउंड, जो कि एक वॉरियर है, वो लोरा को ट्रेनिंग देना चालू कर देती है, लेकिन डॉक्टर किनी नहीं चाहती कि मेरी बेटी लोरा कोई भी लड़ने की ट्रेनिंग ले। डॉक्टर किनी लोरा का ब्लड सैंपल ले लेती है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी भी लोरा अपने आप को भूल जाए तो डॉक्टर किनी किसी तरह से उसे ठीक कर पाए। टाइम के साथ साथ लोरा अपने क्लोज और मैजिकल हैक्स पावर दोनों को अच्छे तरीके से यूज करना सीख लेती है। इसी के साथ डॉक्टर विंडम लोरा को वेपन हैक्स के नाम से बुलाना चालू कर देता है, और साथ ही डॉक्टर विंडम हेलबाउंड और लोरा को मिशन पे भेजना चालू कर देता है। और एक ऐसे ही मिशन में लोरा उन सब लोगों को मार देती है जो माउंट वुंडागोर पे अटैक करने आए थे। फिर एक दिन डॉक्टर किनी लोरा को समझाने आती है कि अगर इन लोगों को मारकर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम्हें डॉक्टर विंडम की बात नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने खुद की दिल की सुननी चाहिए। तुम हो तो एक इंसान ही। डार्क लॉर्ड के रिचुअल को पास आता देखकर डॉक्टर विंडम हेलबाउंड और लोरा को एक आदमी हेलफायर से एक चीज लाने के मिशन पे भेजता है, जिसका नाम है स्ट्रॉम सिगिल, और इस सिगिल का यूज उस रिचुअल में होने वाला है। उस मिशन के दौरान जब लोरा की बारी आती है कि वो हेलफायर को मारने ही वाली है, लेकिन वो रुक जाती है, तब हेलबाउंड हेलफायर और उसके बाकी साथियों को मार देती है। डॉक्टर विंडम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि लोरा लोगों को मारने से हिचकिचा रही है, लेकिन अब तक वो रिचुअल पास आ चुका है जब डार्क लॉर्ड को लोरा के शरीर में घुसाया जाए, इसीलिए विंडम उस रिचुअल की तैयारी में लग जाता है। तब चुपके से डॉक्टर किनी लोरा को समझाती है
कि विंडम तुम्हें बस एक वैसल मानता है, वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता। और जब विंडम गलत हो सकता है तो ये बात भी गलत हो सकती है कि डार्क लॉर्ड तुम्हारी बॉडी में अच्छे से घुस जाएगा, हो सकता है कि तुम मारी जाओ, इसलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो लोग भाग पाते, विंडम मैजिक स्पेल से लोरा के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, जिससे लोरा अपनी मॉम डॉक्टर किन्नी को मार देती है। मरने से पहले डॉक्टर किन्नी लोरा से कहती है, अपनी बहन का ध्यान रखना। लोरा पूछती है, मेरी एक बहन भी है? और तब हमें दिखाई देता है बेवल, जो कि इन सबसे दूर लोरा की बहन ग्रेविल को पाल रहा था, और ग्रेविल अपने आप को स्पीड वेसल कहकर बुलाती है।